Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Friends, assalamu alaikum once again. Welcome to General Science MCQs course. Sabse pehle to main aap logon se request karunga, please subscribe my YouTube channel named Mr. Abdul Musawir. This channel is only for those students who are beginner and to for those students who want to learn, for those students who are keen interested in general science. Aur ye channel jo hai inshallah बिल्कुल स्पेसिफिक उन कैंडिडेट के लिए बना हुआ है जिनका जो है बेसिक लेवल पर थोड़ा सा वीक है और ख़ास तौर पर ये जो कोर्स मैं अपलोड करने जा रहा हूँ जनरल साइंस एम सी क्यूज़, मैंने बिल्कुल एंट्री लेवल से लिया हुआ है। तो एक मतलब फिर मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिस्टर अब्दुल मुसव्विर। और आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कि हम आज का हमारा क्या लेक्चर है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 3 फॉर ऑफ जनरल साइंस नेम्ड फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसमें तकरीबन प्लांट्स के बारे में सब कुछ है, फोटोसिंथेसिस के बारे में है इन डिटेल। तो आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस, अब आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच आ प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की मदद से वो अपने लिए खुराक बनाते हैं। तो उस टॉपिक से मैंने कुछ एमसीक्यूज आपके लिए जमा किए हैं। इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज मैंने बना ली हैं तो इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज आएगा तो एक्सरसाइज आप इंशाल्लाह खुद कर सकोगे। इस तरह के एमसीक्यूज मैंने डिराइव किए हैं कि आप एक्सरसाइज खुद कर लोगे आसानी से, इसलिए मैंने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किया आपके लिए। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट नंबर पर जो है एमसीक्यूज है, व्हाट डज द वर्ड फोटो रेफर्स टू। वर्ड फोटो, फोटोसिंथेसिस में जो वर्ड है फोटो, ये किस चीज़ में किस चीज़ को जाहिर करता है या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट, रोशनी। और देन द सेकंड वर्ड जो है सिंथेसिस, ये आपको आपने आपने मतलब खुद फाइंड करना होगा सिंथेसिस किसे कहते हैं। आई थिंक सिंथेसिस कहते हैं टू प्रिपेयर, बनाने को, तैयार करने को। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 पे है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाते हैं हमारे पास? डैश ऑक्सीजन, हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं। ये एमसीक्यूज आपको 3-4 तरीकों से आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को डैश में डाल दे, फिल में डाल देते हैं, वाटर इज इक्वल टू ये आपको लिख देंगे, या ग्लूकोज को जिस तरह के मैंने बनाए हुए मार्क किया हुआ, या ऑक्सीजन को वो मार्क कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज को मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं, किसी एक चीज़ को ड्रॉप करके आपसे पूछेंगे कि कौन सा चीज़ ड्रॉप्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट थर्ड नंबर पे। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ किस चीज़, किस की मदद में ये होता है, किसकी मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होगा ये अमल में लाया जाएगा। पौधे कब इसको करते हैं? तो सनलाइट की मदद से ये फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 नंबर पे, डैश इज रिलीज ड्यूरिंग डैश, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्यों? फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिस तरह के हम ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, सांस लेते वक्त जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर पे, ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स आर कॉल्ड डैश, पौधों में जो सब्जा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 6, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू डैश इन लीव्स, जब भी पौधे सांस लेते हैं, ये सांस लेने का अमल उनका जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हम सांस लेने का अमल हम भी कह सकते हैं, तो वो स्टोमेटा जो होते हैं, मसाम जो होते हैं, मसामों के जरिए होते हैं। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? लीफ में होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास, मेसोफिल सेल्स कंटेन डैश व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू 2019। इस बार ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो है मेसोफिल पे एक तकरीबन 2018 के जो एग्जाम्स थे उसमें मेसोफिल का जो ऑब्जेक्टिव था वो 2 बार आया था, लेकिन वो आया था कि मेसोफिल इज डैश सेल है या टिश्यू है या सिस्टम है या ऑर्गन है। ठीक है, तो इस बार मेरे ख्याल में मेसोफिल को वो फिर लेंगे तो इस तरह के लेंगे, क्योंकि वो पिछली बार जो एमसीक्यूज था वो इंशाल्लाह वो नहीं ले सकते, तो इस बार वो लेंगे मेसोफिल सेल्स कंटेन डैश, तो वो क्या क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पौधों में 2 किस्म के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर को लेता है, पूरे प्लांट में तकसीम कर लेता है वाटर, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे वो लेकर चला जाता है। और फ्लोएम जो होता है वो फूड को पहुँचाता है, जिस तरह हमारे जिस्म में जो है ब्लड जो है वो हमारे जिस्म में जहाँ भी खून की खुराक की ज़रूरत होती है सारा ब्लड वहाँ पर कन्वे कर लेता है, ट्रांसपोर्ट कर लेता है फूड और वाटर। इस तरह जो है प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम ये काम करते हैं। और हेंस में मैंने लिखा हुआ, व्हाट आर कंडक्टिंग टिश्यू, ये आप लोगों का टास्क है कि कंडक्टिंग टिश्यू क्या चीज़ है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कौन सी खसूसियात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल जो है इफेक्ट होता है। नंबर 10 एमसीक्यूज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो होते हैं ये लाइट जो होती है या एनर्जी जो होती है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट है 11 नंबर पे, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद डैश टू फॉर्म डैश। अच्छा, इसमें मैंने सर्कल जो अपने एमसीक्यूज मैंने किए हुए हैं दोस्तों को, तो वो मुझे लगता है कि इस बार अगर वो एमसीक्यूज लेंगे तो इस तरह के एमसीक्यूज उठाएंगे इंशाल्लाह, जिस तरह के मैंने प्रीवियस एग्जाम्स में देखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू उन एग्जाम्स के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस बार वो ये एमसीक्यूज उठाएंगे, अगर जिनका बहुत ज़्यादा अंदेशा है हमें तो। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है 12 नंबर पे, बेस्ट टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस रेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 सेंटीग्रेड। फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए बेहतरीन टेम्परेचर कौन सा है, 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड। नंबर 13, इन लीव्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। लीव्स में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में, स्टार्च में। या हम ये एमसीक्यूज वो इनवर्स भी दे सकते हैं, दे कैन गिव गिव इट इनवर्सली। तो वो स्टार्च को कह, वो भी ये भी कैसे, इन लीव स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू डैश। तो अगर वो ग्लूकोज को लिखने तो आप लोगों ने स्टार्च को अपलोड करना होगा, अगर उन्होंने स्टार्च लिखा होगा एमसीक्यूज में तो ब्लैंक में कोई चीज मांगी होगी तो आप लोगों ने ग्लूकोज डाल देना है। नेक्स्ट 14 वन इज आयोडीन कंबाइंस विद स्टार्च टू गिव डैश। आयोडीन जो हैगा, आयोडीन वो जब लीव्स में जो होता है कंबाइन हो जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा कलर देगा लीव को, वो ब्लू एंड ब्लैक कलर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट कंटेनिंग स्टार्च गिव्स डैश ब्लू एंड ब्लैक कलर। वो पौधे जिनके लीव्स में स्टार्च जो होगा, स्टार्च हम डाल दें, स्टार्च उनको मिल जाता है जमीन से, तो वो कौन से कलर के लीव्स लेंगे, कौन से कलर के लीव्स निकालेंगे, तो वो ब्लू एंड ब्लैक निकाल लेंगे। और नेक्स्ट इसका इनवर्स है, रेड ब्राउन लीव्स लीफ शोज डैश, जो पत्ता सुर्ख सा होगा पूरे रंग का होगा वो क्या होगा, उसमें स्टार्च की कमी होगी। जिस तरह के हमारे जिसम में कैल्शियम की कमी आ जाती है ना, तो वो नाखून पे स्पेसिफिक इंसान निशान आ जाते हैं, या आयोडीन जो है हमारे जिसम में बढ़ जाते हैं तो किसी का गला जो है सूज जाता है, थायराइड ग्लैंड का मसला आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है तकरीबन पूरा चैप्टर था जिसमें 16 MCQs मैंने डिराइव किए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं एक मरतबा फिर। और लास्ट में मैंने जो है हिंट्स दिया है कि स्टडी कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। अब आपने खुद जानना होगा, ये आप लोगों का टास्क है दोस्तों, आप लोगों ने करना होगा। यू हैव मस्ट टू डू इट, मस्ट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू डू इट इफ यू वांट टू सिक्योर मोर देन 75 प्लस मार्क्स। इफ यू वांट टू सिक्योर मोर मार्क्स यू विल हैव टू स्टडी विद मी, विच आई एम गोइंग टू सेइंग दैट ये हिंट्स है, जो भी हिंट्स मैं दूँ उन लोगों को डीपली आपको स्टडी करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर था हमारे पास, सेकेंड लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 का जनरल साइंस का। ठीक है, तो अब जो है हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि व्हाट इज एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। लो जी दोस्तों एक्सरसाइज ये है, इसमें मैंने कोई फिल इन द ब्लैंक्स फिल नहीं किया, लेकिन ये आप लोगों ने खुद करना होगा। द मेन सोर्स ऑफ डैश इज सनलाइट, ये आप लोगों ने खुद करना होगा। सन आएगा पहले में, मेसोफिल सेल कंटेन डैश क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मल लेयर इन अ लीफ कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, नॉर्मल टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, ये मैंने आपको बता दिया था कि क्या रेंज है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, ये भी मैंने बता दिया था कि लाइट एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये मुझे नहीं पता, आपने खुद करना होगा। नेक्स्ट चेक क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर, प्लीज मेक देयर प्लांट मेक देयर ऑन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड। मुझे नहीं पता कि किस चीज़ से वो बनाते हैं, आप लोगों ने पद देखना होगा कि वो कौन सा अमल है जिसके जरिए प्लांट अपनी खुराक बनाते हैं, जिस तरह के मैंने डिस्कस कर लिया है, ये चैप्टर बना ही इसी पे है कि फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी। सेकंड है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज नॉट नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन चार ऑप्शन में ए बी सी एंड डी में एक ऑप्शन है जिसकी जरूरत नहीं होती, वो भी मैंने बता दिया है, लेक्चर गौर से सुनिए तो आपको फिर पता चल जाएगा। ये आपका टास्क हो गया है। द स्मॉल पोर्स और ओपनिंग इन लीव्स दैट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड, मुझे नहीं पता, चलो बता देता हूँ, स्टोमेटा। स्टोमेटा वही चीज़ है जिसकी वजह से हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं, प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो आपका ये हो गया। द सूटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज, मुझे नहीं पता, रेंज आपको पता है कि मैंने एमसीक्यूज में बता दिया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए बेहतरीन रेंज क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट इज गिवन ऑफ बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट एनिमल्स नीड, वो कौन सा चीज़ है जो जिसको प्लांट की
प्लांट को जिसकी जरूरत नहीं होती और एनिमल उसको लेते हैं, विच इज आई थिंक ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। सो दोस्तों, ये आपका एक्सरसाइज हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, आई एम बीसीचिंग अगेन एंड अगेन दैट प्लीज सपोर्ट माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आपके इंस्ट्रक्टर को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।